वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह का टाइम हो गया, नहा ली हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, खाली नहा के लिप ग्लोज लगा लिया है, लिपस्टिक, और बाहर आ गई हूँ। आज है सेकेंड डे और आज है ग्रीन कलर डालना था, तो मैंने बहुत ही सुंदर सा सूट डाला है। मैं फुल लुक बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल मैं जोत वगैरह कर लेती हूँ। एक करवा चौथ के लिए रेडी हुआ है, ये देख लीजिए, ग्रीन कलर है। फुल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं जोत वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि एमी सो रहा है। बच्चा होने के बाद ना तो बच्चे के अकॉर्डिंग काम किए जाते हैं। बच्चा सो रहा है तब कर लो, उठ गया तो कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल सो रहा है तो जोत लगा लेते हैं। तो गाइस पूजा हो गई है, एमी सो ही रहा है, अभी एमी को उठा के लेके आऊंगी। वैसे उसका सुसु पट्टी करवा के फिर जो है उसको नहला देंगे। मैंने और मम्मी ने ना अपनी पूजा भी कर ली है। आज हम सासू बहू ने मैचिंग मैचिंग कराया है दोनों ने, ग्रीन, अरे देखो ग्रीन दोनों ने। मम्मी पूरे घर में ना सामग्री जो होती है ना हवन की, वो दे रही है, क्योंकि हम डेली हवन भी करते हैं, शायद सभी करते होंगे। गुड मॉर्निंग एमी, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गया भाई, मेरा बेटा भी उठ गया, ठीक तो या बेटा। देखो दादी आ गई, गुड मॉर्निंग बोलो दादी को, गुड मॉर्निंग बोलो दादी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटी। इसको ये पता चल जाता मैं फोन उठाती हूँ, स्माइल कर रहा था, फोन उठाते ही चुप। देखने के लिए चल जैसे ना, ऐसे के चीज से नहीं। हाँ गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा चूना भी उठ चुका है, मेरा छोटा भैरू बाबा, मेरा छोटा भैरू। तो सुबह सुबह आ गया कुरियर, और मम्मी का और कोई काम होना हो मेरे काम होता, कोई भी कुरियर आया मम्मी ही ओपन करती है, चाहे कि अभी अभी आए सुबह सुबह, पता नहीं इसमें क्या दिखाऊंगी आप लोगों को। और इधर इसको का करना है। और इधर फास्ट है ना तो चाय, ए मम्मी चाड़े कर दिए, मेरा कब्र है आपका अद्दा तो मम्मी मेरा साथ दोगे चाय पीने में, फास्ट है ना तो मैं पीऊंगी या चाय। और जैसे जो नमक वाली चीजें होती है ना वो खाती हूँ मैं 12 बजे के बाद, जैसे कि रायता बना लेती हूँ या कुछ भी अगर बनाऊ ना तो 12 बजे के बाद पहले चाय ले लेती हूँ। आप लोग नवरात्रों में क्या क्या खाते हो मेरे को बताना, मतलब 12 बजे से पहले। इसमें मुझे परफ्यूम वगैरह लग रहे ना, मम्मी पूरी मेहनत कर रही है खोलन में। पूजा कर ली थी, एमी अभी तक नहाए नहीं है, दादी ने इसकी मालिश कर दी थी, और मैंने डाला है ये वाला सूट, ये मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए रेडी करवाया, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दो, जो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें ग्रीन कलर में रेडी करवाया है, बाजू के डिज़ाइन है, दिए बने हुए हैं आप देख सकते हैं, नीचे भी दूल्हा दुल्हन, और ये चारों तरफ से दिए बने हुए हैं। सलवार बहुत ही प्यारी रेडी करके भेजी है इन्होंने, आप देख सकते हैं, ये जो स्टाइलिश सलवार जो चली हुई है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। इस पे पांचों पे भी देखो दिए बने हुए, काफी प्यारी है लुक, आप देख सकते हैं, पीछे लटकन लगवाई है मैंने तो। और ये है फुल दुपट्टा, ये देखो फुल दुपट्टा है पूरा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट नहीं है, बिल्कुल अच्छे वाला है। तो अगर आप लोगों को भी अगर चाहिए यार अच्छा सा, अच्छी क्वालिटी में करवा चौथ के लिए रेडी करवाया हुआ सूट, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर लेना, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, बाकी आप बता देना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला सूट, मुझे तो पसंद आया है। ये करवा चौथ के लिए जिस जिसको रेडी करवाना हो करवा लेना। तो आ गई थी अंदर, और अभी जो है एमी को नहलाना है, एमी उठ चुका है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए गर्म पानी गर्म पानी तो नहलाया जाएगा अच्छे से। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे चल रहा है, खाली प्लेट हो चुकी है क्योंकि खा चुके हैं सारे, मम्मी ने खाया आज 8 पराठे, एमी 8 पराठे ओए, और इन्होंने खाया आज 15 पराठे, देखो डकार भी आ गए इनको तो, है ना किसी के मुंह में लाल ना रखी है ना, बिल्कुल भी नहीं, फास्ट रखो जो मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल भी खाने का। सुबह तक मम्मी तो पूछो चाय में हूँ खाली, एक कप चाय, वो भी फुल कौन पियो, हाँ डेढ़ दो बच गया। और इधर ये सो गया रो रहा के, नहाते टाइम इसके बिना ना की तो दिक्कत हुआ, भगवान जाने, आराम से सो गए। तो दोपहर हो गई है, एमी तो सो नहीं रहा, अपनी दादी के पास ही लेटा हुआ है आराम से। और इधर देखो मैं ये वाली नमकीन लेके आई थी, ये लेके आई थी, और ये वाले लड्डू लेके आई थी, ये वाली नमकीन लेके आई थी, और ये लाई थी, और 2-3 चिप्स अंदर रखे हैं। अब की बार मम्मी ने ना बहुत ज़्यादा ले दी, मैं बोली
मैं इतनी नहीं खाती, बोली खाएगी एक हफ्ता पूरे, इतने फास्ट रखेगी तो खा ही जाएगी। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, यह भी पूरी हैवी ड्रेस है, बहुत ही सुंदर लॉन्ग सूट है, इसका फोटो अटैच कर दूंगी मैं, देख लेना, बहुत ही प्यारी सुंदर सोबर सी है, हैवी सी ड्रेस, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है इसका, कंट्रास्ट में है। देखो इसका अम्मी को कितना तेज हो गया, रो रहा था मैं, तूने फोन दिखा दिया, आराम से फोन में घुस गया। हाँ, अच्छा अच्छा दूसरी चेंज मजा आ रहा है आपको फोन देखने, ठीक है, रील देखनी आपको भी, वो भी लड़कियों की, गंदी बात बेटा, पूरा फोकस है इसका फोन में, पूरा क्या चाहिए। इसका उचाटे सिर्फ न्यू है कि न्यू बैठा और इस वेले खेलो बात करो जब तेरे है राजी, और ना तो मैं रोऊंगा 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 न्यू रहे है। डरा के रखे तो सबने, हाँ है सबने डरा के रखा है, एक गुंडा मैंने इधर ले लिया है, दूध लिया है मग्गे में और दो पिट्ठे की हो रही है, चाय नहीं ली मैंने इस टाइम, सुबह ली थी चाय, शाम का टाइम हो गया, और दिखाती हूँ मैंने अपने बिट्टे को फिट करा के सुला दिया अंदर ताकि पूजा आराम से हो जाए। ये आराम से सो रहा है, यहाँ पे दरवाजा खुला है थोड़ा सा, पूरा बंद नहीं कर रही, और जो कपड़े रखे थे वो प्रेस होके आ गए, वो लगाने हैं, पर वो ना इतना सा शोर होते उठ जाता है, इसलिए अभी अंदर रूम में कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल पैर भी ऐसे आराम आराम से उठाते हैं ताकि उसकी आवाज़ ना आए। और इधर तैयारी चल रही है, दिखाती हूँ, ये पेठे की सब्जी है तो बनेगी, मित्तूर की मम्मी के लिए खाऊंगी, और मेरे लिए बन रही है इधर कढ़ी बनाई है, ये खाऊंगी जब बताऊंगी कैसा टेस्ट। आलू डाल दिया, पराठा मिला दिया, पराठा आलू डाल दिया भाई, ठीक है ये आलू डाला हुआ है, और अब बनाओगी मम्मी कुट्टू का और उसका सिंगाड़े का मिक्स कर दिया, इसमें आलू भी मिक्स कर दिया, देखो कैसे बनेंगे। तो जब तो मम्मी इधर ये रोटी सीखेगी इतने मेरी फास्ट की, इतना मैं जो कर लूँ आरती कर लूँ वो सोने ही लग रहा है। ये होगा से कुट्टू का सिंगाड़ा घाटा का पराठा तैयार कर दिया, आलू मिला दिया मैं, हरी मिर्च काली मिर्च और सिंधा नमक, तो ये बढ़िया सा मम्मी ने पराठा तैयार कर दिया मेरा, देखो बहुत सुन, दो ही दो पराठे दो ही खाती हूँ मैं, कल भी तो रोटी खाई थी, ये कढ़ी है, आप लोग देख लेना रेसिपी, बोलोगे तो कल वाले में बता देंगे क्या क्या डालना है इसमें, ये घी थोड़ा सा मतलब कितना मुझे चाहिए उस हिसाब से। ये वाली कढ़ी ना हमने कल बनाने की सोची थी, हमने भी यूट्यूब पे ही देखी थी, इतना पता नहीं था, और मम्मी ने इतनी टेस्टी बनाई है, ऐसा लग रहा है जो हमारी बेसन वाली कढ़ी होती है ना वही खा रहे हैं, बिल्कुल खट्टी खट्टी इतनी मस्त बनी है, मज़ा ही आ गया, और ये आलू के पराठे मज़ा आ गया। एमो क्या कर रहे हो बेटा, एक्सरसाइज कर रहे हो पापा के साथ, एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, स्टार्ट करो, हां यहां से स्टार्ट करो, हां यहां से स्टार्ट करो, एमी कितना हंगा लगवा रहे हो मेरे बेटे का, इतना मत लगवाओ भाई, हाँ कैमरा फोकस करना है क्या आपको भी, करना है क्या, सो जा बेटा, हम सो जाओ ना, देखा क्या कह रही दादी, क्या कह रही है, अभी चिल्ला रहा था, अभी इसको दिख गया ना टॉर्च जल रही है तो बस, आ जा और क्या था आज के व्लॉग में मुझे तो नहीं पता यार, एक्चुअली इतना काम हो रखे आजकल, दिन बढ़ना मेरा दूसरी चीजों में जाता है, तो चलो करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक लिए ओके टाटा बाय बाय।